हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज होगी ये 8 और हम जा रहे हैं वापस मुंबई। मुंबई की तैयारी हो गई, सुबह हम सब लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अब तैयार हैं हमें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था, हम लोगों ने बहुत पंगा ले लिया भाई। हम लोग जो गोवा का जो नया एयरपोर्ट खुला है मोपा, वहाँ पर उतरे हैं, जो यहाँ से कम 2.5 घंटा दूरी पर है और हमें किसी को पता नहीं था। तो खैर अब यहाँ से निकल रहे हैं, बीच में कहीं खाना खाएंगे और फिर एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वापसी घर की। सब लोग तैयार हो गए हैं। प्रियंका इज हियर, यस, इन मुंबई, यस। मोहन इज आल्सो हियर, सो इज आल्सो ओवर हियर। आई विल टेल यू द व्लॉग, यू मस्ट वॉच माय व्लॉग्स आल्सो। एंड ये तो वो घर है जहाँ पे हम, बंगलो है जहाँ पे रह रहे थे। यहाँ पे हम रातों को बैठ के बहुत मस्ती करते थे और ब्यूटीफुल सा किचन इन लोगों ने बना के दिया था। मैंने आपसे कहा था पिछले ब्लॉग में कि मैं बताऊंगा, पूरा फुल्ली इक्विप्ड किचन दिया है। और यहाँ से ऊपर 2 रूम्स है, उसके ऊपर एक और रूम है और कुछ और यात्रीगण अब आ रहे हैं जाने के लिए तैयार। और हम देखते हैं कि कौन आ रहा है। ओ नवीन एंड मिस्टर सैफ खान और रेडी टू गो टू मुंबई। यस, पैक वैक हो गया आपका सब बैग? पैक हो रहा है। हाँ, टाइम तो सर लगता है। हम लोगों का क्या है, दो कच्चे दो बनियान डाले और निकल गए कहीं पर भी। हम तो झोला उठा के निकल लेते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो आपको बताते हैं और आगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ओके, door locked on the way back? Yes, right, right, left, 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 right, right. 1 kilometer bus aur kuch nahi. And okay, Francis, see you. Yes, bye. When I see you next. Yes, happy journey. Thank you. Naveen, you coming with us? So come. Okay, so on the way back, is waqt baj rahe hain dopahar ya sham, jo bhi boliye, early evening ya dopahar ke 4। और मैं आपको बताऊंगा कितने बजे हमारी फ्लाइट शुरू हुई है। तो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे फ्रॉम हियर, तो सफ़र शुरू कर रहे हैं। बीच में कहीं रुकेंगे, खाएंगे वाएंगे और सब लोग हैं इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, हाँ, रोना तो किसी और दो लोगों को पड़ेगा अब तो। वो जाने, हम तो हंसी रहे, आप लोग को आदत हो जाएगी बाद में रोते रोते हंसने की, तब आप हमारे जैसे रोते रोते हंसोगे। ये देखो, इन दोनों को आदत हो गई है। आइए, सी डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ गुड ड्राइवर तो मुझे पता नहीं, बट डिसएडवांटेज ऑफ समबडी हु डजंट ड्रिंक, ये मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि क्योंकि आप पीते नहीं हो इसलिए सारे दोस्त आप ही को बोलते हैं कि गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला। हाँ, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि नहीं नहीं, देखो कुछ लोग और गाड़ी अच्छी चलाते हैं लेकिन खाम खा बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई मुझे नहीं, हाँ। मैं नहीं चलाओ। अच्छा, तो क्या करें, अब करना जलाना पड़ता है। हमको अपनी भी फिक्र होती है, लेजी लोग होते हैं। लेजी लोग नहीं होते, हमने एक अपने दोस्त को दी थी जो नए नए दूल्हा बने हैं, उन्होंने इतना क्लोज काटा है एक वैली के ऊपर से कि हम लोगों ने बोला यही गाड़ी रुकाओ भाई मैं चला दूंगा। और थोड़ा सा मैं अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंट हूँ, जैब क्योंकि मेरे साथ बहुत बैठते हैं, हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं तो उसको भी कॉन्फिडेंस है। बाकी जो नवीन भाई की खुद की होने वाली वाइफ थी 2 दिन पहले तक, वो खुद ही बोल रही थी कि नवीन छोड़ दो ड्राइविंग, रो मत यार, होता है हर कोई रो रहा है, दिखाओ इसमें क्या बात है, हो जाता है कभी कभी। आएंगी तो वापस मेरे साथ आइए।
गाइस हम लोग रुके हैं पेंजिम में, और पेंजिम में एयरपोर्ट जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ यहाँ पे हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, और हम लोग रुके हैं वाइट चर्च के पास। ये बहुत ही पॉपुलर जगह है यहाँ की, तो हमने सोचा आए हैं यहाँ पे तो यहाँ पे रुकते हैं, कुछ खाते हैं, और जो फेमस यहाँ का वाइट चर्च है उसके पास भी हम कुछ पिक्चर्स लेते हैं। और रोमांटिक कपल यहाँ पे, नए शादीशुदा लोग अपनी फ़ोटो शेयर करने लगे, ये लोग भी फोटो शूट कर रहे हैं, और हम बना रहे हैं अपना व्लॉग इन लोगों के साथ। लाइट हम लोगों ने अच्छी लाइट ली है जी, और बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद, ठीक है। अभी सब लोग अपने अपने फोटो शूट में लग गए, तो जरा ढूंढना पड़ेगा बाकी लोग कहाँ हैं, एंड देन वी कैरी ऑन। और ये दोनों खा रहे हैं पाव भाजी, और हम लोग सब वेट कर रहे हैं अपने खाने की। बहुत जल्द से हमने भी ऑर्डर किया, वो आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऑर्डर किया है। और हम लोग खा रहे हैं भटूरा, और ये है साथ में छोला, और इन्होंने भी वही मंगाया है छोला भटूरा खाने के लिए। और ये अब हम है धुएं से फॉग आ गया, तो हम लोग खा रहे हैं छोला भटूरा। और एक पाव लेना, भाई हम लोग रुके हैं एयरपोर्ट से थोड़ा पहले, क्योंकि अभी अभी हमें मैसेज आया है कि हमारी फ़्लाइट जो है वो एक घंटा डिलेड है, तो हम लोग फ़ौरन जो एक लास्ट यहाँ पे हमें होटल दिखा, और इतना परेशान हो गए थे कि ये सुयश लिखा हुआ है, जो मुझे बहुत जल्दी में अय्याश दिखा, एस दिखा ही नहीं, मैंने कहा अय्याश होटल आया है, तो ये है एक्चुअली सुयश, सो सॉरी गाइज, मैंने माफ़ी भी मांगी इन लोगों से। और बस थोड़ी बहुत चाय वाय पियेंगे यहाँ पर और फिर निकलेंगे, क्योंकि एक घंटा डिले है, और ऑलरेडी आपको तो पता ही है 5 बजे से हम लोग निकले थे, 50-55 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम लोग पेंजम रुके, पेंजम के बाद अब हम बस एयरपोर्ट के बहुत करीब ही है। ऑलरेडी मैं अराउंड 40-45 मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ, और अब एयरपोर्ट पहुँचेंगे, एयरपोर्ट जाने के बाद क्या होता है और डिले ना हो, बस प्रे कर रहे हैं। ओके बाय 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 नवीन, थैंक यू, आराम से धीरे धीरे। गाइस चेक इन हो गया, हम लोग एयरपोर्ट आ गए, ये गोवा का न्यू एयरपोर्ट है, अच्छा बनाया यार, बड़ा एयरपोर्ट बनाया। फ्लाइट डिले हमारी, मैंने बताया बहुत ज़्यादा डिले यार, एक घंटा डिले, अब पता नहीं सोते हुए पहले ही मतलब लेट थी 10 बजे, अब 11 बजे है। एयरपोर्ट अच्छा है, लेकिन वक्त अभी जो है रात को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ब्राउनी के साथ में अगर हम बाद में चाय पी, हाँ चाय तो पी सकते हैं बाद में, आराम से टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो अब देखते हैं क्या टाइम पास कर सकते हैं, 1.5 घंटा है। ओके गाइस वेट कर रहे हैं, मेरी आंखों से आपको पता चला होगा नींद कितनी आ रही है, लेकिन क्या करें अभी वेट करना है, क्योंकि फ्लाइट को अभी भी कम से कम 2 घंटे बाकी है, तो यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे, और फिर फ्लाइट का अनाउंसमेंट होगा तो जाएंगे। जेब करा दी यार इंडिगो वालों ने आज, तो थोड़ा लेट कर दिया यार, तो बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं, कुछ रील्स देख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, और कुछ ऐसे ही जहाँ टाइम पास कर सके तो टाइम पास कर रहे हैं। अब होपफुली जल्दी अनाउंसमेंट हो और हम लोग जाके अपनी फ्लाइट पकड़ें। रात के 11:30 बज चुके हैं और मैं अभी भी गोवा में ही हूँ। भाई ये पहली बार मेरे साथ हुआ है इस तरह, 10 बजे की फ्लाइट थी, एक तो हम लोग 2 घंटा ड्राइव करके एयरपोर्ट पहुँचे, और जैसे ही हम एयरपोर्ट के पास पहुँचे हमें मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट 11 बजे की है, तो ठीक है हमने सोचा, हमने आपने देखा पीछे कि हम लोग उठ के चाय पी रहे थे, यहाँ आए चलो बैठे रहे थोड़ा कुछ खा लिया ये कर लिया, अब फिर मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट 11:30 की हो गई है, मतलब 11:30 तक तो मैं घर में सो गया होता जाके। इन लोगों ने फिर क्योंकि इतना डिले हुआ है हमें खाना भी खिला दिया,
खाना खाने की इच्छा थी नहीं, लेकिन बोर हो रहे थे क्या करें, चलो वो भी खा लिया, दाल चावल कुछ पनीर वनीर। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है भाई, ये मोपा एयरपोर्ट का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूँगा, इतना डिले कभी लाइफ में नहीं हुआ। पर अब क्या करें, जितनी देर यहाँ से गोवा से बॉम्बे के लिए लगती है, मुझे जहाँ हम लोग थे बेंबोलिम से लेके घर पहुँचने में मतलब 5-6 घंटे हो गए, अब तक नहीं पहुँचे, अभी भी पता नहीं फ्लाइट आई नहीं है। हमने सोचा कि चलो अब नीचे जाके जो गेट है वहीं बैठते हैं, इंतज़ार ही करना है, देखें क्या होता है। सो आई डोंट नो कितने बजे पहुँचेंगे, 11:30 तक तो मैं आराम से, अगर 10 बजे की फ़्लाइट होती तो मैं बस घर पहुँचने वाला होता अब, पर अब क्या करें, वेट एंड वॉच, लेट्स सी क्या होता है। पूरा एयरपोर्ट खाली हो गया, बस यहाँ पे कोई नहीं है, हम बस यही फ्लाइट वाले बचे हैं। ये देखिए वीराना है, वीराना, कोई नहीं आपको दिखेगा सिवाय इस पैसेंजर के, क्योंकि हम लोग फंसे हुए लोग हैं सब जो यहाँ पे अटके पड़े। तो हाँ मतलब इतना ये कह रही है कि गोवा वाले चाहते नहीं कि हम मुंबई वाले वापस मुंबई जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मुंबई में हमारा इंतज़ार हो रहा है। तो बताते हैं क्या होता है आगे, ये सफ़र बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो रहा है, क्या बताएं। तो गाइज फाइनली रात के 11:30-12 बजे हमें बताया गया कि अब हम हमारी फ़्लाइट को बोर्ड कर सकते हैं। सब लोगों का बहुत बुरा हाल हो चुका था, थक गए थे, ख़ास करके मैं तो 4 बजे से गाड़ी चला रहा था, 6:30-7 घंटे के बाद हम लोग फ़्लाइट को बोर्ड कर रहे थे, बुरी हालत थी, थके हुए थे, लेकिन इस बात की खुशी थी कि फाइनली फ़्लाइट उड़ने वाली है और हम सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। और घर जाते तो आपको पता है अपने बिस्तर में जब आप लेटते हो सारी थकान दूर हो जाती है, तो हम लोग भी आराम से ऊपर वाले के कर्म से अपने घर पहुंच गए। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे व्लॉग्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए। शेक हैंड्स विद वकार।